बक बी का लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो गोदाम है, देखो इसे पढ़ पढ़ने आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। बत्ती गोदाम नेगेटिविटी है जी यहाँ पर। चले चले समझ में। बीच में जी आपको याद होगा कि बड़ा सैलाब आया था बहुत पाकिस्तान में, सिंध मीरपुर खास जी, तो कई हमारे किसान भाई मजदूर भाई यहाँ रहने वाले गांव देहातों में गोठों में बॉर्डर्स पे, तो मतलब सैलाब की जद में आए, कई लोगों ने अपने दिल खोले दरवाज़े खोले, ऐसी सरायों में ऐसी पुरानी जगहों को भी आबाद किया गया दोबारा जहाँ सालों से कोई नहीं आया। अब तकरीबन 90 साल 100 साल पुराना इस जगह को भी आबाद करने की कोशिश की। 2 साल पहले हरा भरा था यार, 2 साल पहले ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं। क्यों खुश्क हो गया 2 साल में, क्या हो गया ऐसा? आसपास समझ में नोट कर रहे हैं ना क्या हुआ? नीचे तक देखे ना, नीचे भी जो है इसकी है सब हरा भरा हुआ है, सारा हरा भरा है। मैं आपको मायांस की बात बताता हूँ। हज़ारों साल पहले कहा जाता था जी, 5-10 हज़ार साल पहले लोग जो है ना वो दरख्तों को काटते नहीं थे, और अगर उनको उस दरख्त को ख़त्म करना होता था ना उसके गिर्द गोल दायरा बना के ना उस दरख्त को बुरा भला कहते थे, गालियाँ देते थे। वो दरख्त दिनों में भाईजान वो खुश्क हो जाता था। मतलब ये भी जान रखते हैं, फील करते हैं, ये बातें करते हैं यार, तो प्रूफ हो गया सारी चीज़ें। ये आप मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये हुआ था होता था, और आज भी अगर या तो बहुत नेगेटिविटी की जाती हो या कुछ तरह का अमल किया जाता हो, एक बड़ी वजह तो वो है, और दूसरी वजह जी मुझे अक्सर पुरसरार जगहों पर एक ना एक दरख्त ऐसा मिलता ही है जिसकी कोई वजह नहीं समझ आती कि यार वो क्यों खुश्क है। और ये तो पहले से नहीं, ये तो अभी खुश्क हुआ है सबके सामने। वही तो कह रहा हूँ ना, इसको ट्रैक पे रखते हैं, ये पूरा व्यू आया इसका। हाँ हाँ, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी जिनमें रिकॉर्ड हुई है भाई। बकरी देंगे इलाज हो जाएगा, इलाज थी भी नो पक्को पक्को जे ना थी दो ना केयर करम दो इलाज। धमाके सुन रहे हैं यार, पीछे का रास्ता कांटों भरा रास्ता, यही रास्ता है जाने का। इसके पीछे से जाके देखें, इस कमरे में इस जगह से उन्होंने एक टाइम पर क्या कहा, जैसे पैसे दिए उनको, सो कॉल्ड माल उनको मिला, उन्होंने क्या कहा, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, मेरी तबीयत खराब हो रही है। स्ट्रेंज यार, ऐसे लोगों को पैसे की तमीज भी नहीं होती। वो पैसे रखे नहीं जा रहे थे उनसे, मतलब क्या करना था? नहीं, उन्होंने बोला जब माल कोई डरा दिया है जालिम, कपड़ों ने डरा दिया है।
यहाँ भी नहीं है रास्ता, यहाँ सर जाना तो उस कमरे में ही पड़ेगा। क्या है उस कमरे में? अरे बता दो क्या है, बच्चा एक आदमी है और वो तो मालूम तो घूम भी पड़ रही है शायद। कैमरा लगा दिया ना हमने, अब तो मैंने उसको सर को अंदर रिकॉर्डिंग होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मकसद आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, इसे भगाना यहाँ रहना नहीं है। ये आपकी जगह है, एक अरसे से हैं आप, रहें। हम सब कुछ जानते बूझते आपसे मिलने आ रहे हैं। बात करेंगे हमसे? ये पहली बार थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे? यही तो होता है। जब से कलाम करो, एकदम बात करें हमसे। क्या नाम है आपका? सुन लिया ना सुन लिया ना। मैं जब कदम रखता हूँ ना, भपका आता है हवा का तेज। निशानियाँ तो सामने हैं यार। आग लगी है यहाँ पे शदीद। अच्छा मैं बताऊँ, झुलरी का मेन रोड है, मतलब झुलरी शहर में आने के लिए ना, झुलरी गांव में आने के लिए मीरपुर खास से ये रोड आता है सामने। मैंने शाम को शायद आपको दिखाया हो, वहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की, हम पैदल आए। मतलब ओपन जगह है ये, सबके लिए खुली जगह। सर ये लोहा कितना रखा? मेरे ख्याल से तकरीबन सब मिलाए ना, आप ये देखें, ये लोहा है ना पूरा पुराने दौर का, ठीक है? ये लोहा खुला रखा, मन वजन होगा कम से कम। आपको पता है क्या रेट है टन का, सोने लोहे का? सही बात है, रेट बहुत बड़ा है, ठीक है? जब चोर तक नहीं आ रहा। Thank you.